हेलो, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एज वी ऑल नो, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन रिलीजेस देयर नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। और इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में यदि मैं बात करूं तो दिस एग्जाम इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्जाम ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो बाकी एग्जाम्स है, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम ही यदि मैं बात करता हूं या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के बारे में, तो उससे ये एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। इन विच सेंस? ये सेंस है आपके पास पर दो, एक है सिलेबस और एक है पैटर्न। इस एग्जाम का पैटर्न स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के डिफरेंट स्टेट के एग्जाम से अलग है। और इवन इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस, तो सिलेबस में भी बहुत सारी चीजें एक पर्टिकुलर आपके पास का पार्ट पर इंक्लूड किया है, एक पर दूसरे पार्ट में इंक्लूड नहीं किया है। तो यहां पर मैं बात करता हूं। सो इस पर्टिकुलर एग्जाम में यू हैव टू फेसेस, वन इज प्री फेस एंड अदर इज मेंस। तो प्री और मेंस दो अलग अलग एग्जाम है आपके पास। प्री यू कैन से इट इज अ स्क्रीनिंग एग्जाम। स्क्रीनिंग एग्जाम के बारे में यदि प्री एग्जाम के बारे में यदि बात करता हूं, यू हैव 10 सब्जेक्ट। Each subject is for individual 10 marks, जैसा आपको नहीं देखने को मिलता बाकी स्टेट के एग्जाम्स में। और यहाँ पर 100 marks का ये पेपर आपसे 1.5 hour में आपको सॉल्व करना होगा। जो भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, they will go to the next phase, that is mains. Mains exam का भी पेपर ऑब्जेक्टिव है। I am again saying objective paper है mains exam भी। और mains exam में आपके पास पर दो पेपर एक ही दिन में लिए जाएंगे 2-2 hour के स्लॉट्स के अंदर पर। ये पेपर होंगे आपके पास पर जनरल स्टडीज इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस। और ये क्वेश्चन यहां पर आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 मार्क्स के लिए। इसके बाद आपको पूछा जाएगा सिविल इंजीनियरिंग के सेम आपके पास पर सेम पैटर्न पर आपके सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा। इसका क्वेश्चन का लेवल बाकी इसके पहले के लेवल से काफी अच्छा होगा। और आई मस्ट से कि नियर बाय जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के एग्जाम के लेवल से ज्यादा अच्छा लेवल होगा। यू कैन फाइंड दी बेस्ट लेवल फॉर दिस मेन्स एग्जाम। और यहां पर भी आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 मार्क्स के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस the pattern of this particular exam. If I talk about the syllabus, so जो syllabus है pre-exam का, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 10 subject ही लिए हैं यहाँ पर इस particular pre-exam में, और हर subject से 10-10 marks के question पूछे गए हैं। So this is the pre-exam syllabus. But you can see यहाँ पर geotechnical engineering नहीं है, यहाँ पर environmental engineering नहीं है, यहाँ पर आपके पास BMC नहीं है, यहाँ पर आपके पास estimation नहीं है, यहाँ पर आपके पास CPM and PERT भी नहीं है, जो कि आपको मेंस के सिलेबस में देखने को मिल जाता है। तो मेंस के एग्जाम यदि मैं बात करता हूं, एग्जाम यदि मैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो थोड़ा ज्यादा वास्ट है, पेपर का लेवल काफी अच्छा आएगा। यू मस्ट से कि यहां पर पेपर आपके पास पर गेट और ईएससी लेवल जैसा ही मिलेगा, बिकॉज मेंस का पेपर यदि ऑब्जेक्टिव है और इसके पहला वाला प्री भी ऑब्जेक्टिव था, तो दिस मेंस शुड बी अ पर्टिकुलर टफ पेपर कंपेयर टू द अदर पेपर। नेक्स्ट डे हम बात करते हैं यहां पर। सो इंजीनियर्स एकेडमी ने स्पेशल बैच लॉन्च किया है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू प्रिपेयर इंडिविजुअली फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एग्जाम रिक्वायर्ड मोर स्किल, मोर कंसेप्चुअल नॉलेज कंपेयर टू द अदर एग्जाम। As I compare this particular exam with JEE exam or assistant engineer exam, because यहाँ पर designation है ये assistant executive engineer का है, और इस particular designation के लिए जो आपसे questions पूछे जाएंगे, questions का level रहेगा काफी अच्छा level रहने वाला है, exactly ES या gate level का ही यहाँ पर आपको question देखने को मिलेगा। Engineers Academy के online portal Nimbus पर यहाँ पर आपको दोनों course देखने को मिलेंगे, प्री कोर्स अलग से और प्री प्लस मेंस कोर्स अलग से। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ प्री कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने कभी ना कभी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है, उन्हें लगता है कि दे कैन ऑल्सो गो फॉर मेंस, तो वो आपके पास पर प्री एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। जो पहली बार फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, दे मस्ट ज्वाइन प्री प्लस मेन बैच। यहां पर आपको मेंस बैच में जो बेनिफिट देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको स्टार्टिंग से उसी रिदम से पढ़ाया जाएगा जिस रिदम से आपको मेंस के लिए पढ़ना चाहिए। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप एक एज ले लेंगे प्री एग्जाम में, क्योंकि प्री एग्जाम का लेवल आपका इतना अच्छा रेडी करा दिया जाएगा जिससे आपका मेंस एग्जाम में तो हेल्प मिलेगी, और प्री एग्जाम में आप कट ऑफ से भी काफी ज्यादा अच्छा मार्क्स लेकर आप आगे बढ़े। तो यहां पर मैं बात करता हूं, तो इंजीनियर्स एकेडमी ने यहां पर आपके लिए जो बैच लॉन्च किया है वो इंडिविजुअली फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, जिसके अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंजीनियर्स एकेडमी आप लोगों के साथ कौन कौन सी फैसिलिटी शेयर करेगी इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, यू हैव 24/7 एक्सेस फॉर द वीडियोस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप पूरे वीडियोस को कितने भी बार देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर ई बुक्स की फैसिलिटी दी जाएगी, जो क्लास में फैकल्टी नोट्स बनाते हैं उसके अलावा आपको पीडीएफ फॉर्म में ई बुक्स प्रोवाइड की जाएगी।
उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यू हैव टू प्रिपेयर थॉरली विथ द ऑब्जेक्टिव अप्रोच. यदि आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से जाते हैं, यदि आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से जाते हैं तो आपके पास पर एक ऑब्जेक्टिव बुक होना बहुत जरूरी है. इंजीनियर्स एकेडमी ये बुक भी आपको प्रोवाइड कर रही है, और ये बुक जो इंजीनियर्स एकेडमी की है ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक्स है ऑब्जेक्टिव सिविल इंजीनियरिंग पैटर्न में. यदि मैं बात करता हूं तो ये दोनों बुक्स आपको देखने को मिलेगी. इसके अलावा यू हैव टेस्ट सीरीज, यू कैन असेस योरसेल्फ, यू कैन टॉक विद फैकल्टी. आप अपने एनालिसिस रिजल्ट के साथ आप फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं किस जगह आप लैक कर रहे हैं, किस जगह आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. दे विल टेल यू अकॉर्डिंगली. तो यहां पर सभी धुरंधर फैकल्टीज आप सभी के साथ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहेंगे. सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू मस्ट ज्वाइन. इफ यू हैव क्यूरी तो यहां पर मैं आपकी क्यूरी दूर करता हूं. इस पर्टिकुलर कोर्स को आप वेब और ऐप दोनों पर ले सकते हैं, और यहां पर दोनों जगह आपको थोड़ा थोड़ा फैसिलिटीज में चेंजेस देखने को मिलेंगे. इफ यू ऑप्ट फॉर प्री एग्जाम ओनली द फीस इज 10,000. इफ यू ऑप्ट फॉर प्री प्लस मेंस एग्जाम द फीस इज 15,000. सो यहां पर आपके पास प्री प्लस मेंस की और प्री की फीस दोनों की अलग अलग है, बट फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट देयर इज अ डिस्काउंट, एंड आफ्टर डिस्काउंट द प्री फीस इज 7,000 एंड द मेंस प्री प्लस मेंस फीस इज 10,500. दिस इज फॉर ऐप. यदि आप वेब कोर्स के लिए जाते हैं तो वेब कोर्स के लिए बेनिफिट्स यदि मैं बात करूं तो पीडीएफ बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेक्निकल असेसमेंट, ये सभी चीजें आपको, फैकल्टी इंटरेक्शन, ये सभी चीजें आपको वेब कोर्स में अवेलेबल होगा, ये ऐप कोर्स में अवेलेबल नहीं होगा. इन ऐप कोर्स यू हैव ओनली वन थिंग, दैट इज 24/7 एक्सेस विद द वीडियोस, एंड यू कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद द फैकल्टीज. बट यहां पर आपको वेब कोर्स में बहुत सारी फैसिलिटीज मिल सकती है. इफ यू आर अ फ्रेशर, इफ यू आर अ न्यू कमर, यू मस्ट ज्वाइन फॉर प्री प्लस मेन कोर्स. तो यहां पर आपके पास पर जो फीस है, आपके पास पर वेब कोर्स के लिए आपके पास पर प्री की फीस है 20,000 और प्री प्लस मेंस की फीस है 25,000. बट फॉर टॉप फर्स्ट 100 स्टूडेंट यहां पर आपके पास पर फीस में कंसेशन है, दैट इज द डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट आपको सिर्फ टॉप 100 स्टूडेंट को ही मिलेगा, और उनके लिए डिस्काउंट है प्री का फीस है 12,000 एंड प्री प्लस मेंस का फीस है 17,500. एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम, इफ यू वॉन्ट टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम, प्लीज मस्ट ज्वाइन. कोर्स लॉन्च हो रहा है इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल निम्बस ऐप और निम्बस वेब पर, दोनों जगह पर आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्यूरी, यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी क्यूरी है, सो आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए इस दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आई एम ऑल्सो गिविंग यू वन नंबर. सो दिस इज द नंबर. इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन प्लीज मेक अश्योर कि यहां पर आपको बेस्ट फैकल्टी बेस्ट कंटेंट के साथ अवेलेबल है आपके लिए. यदि आप लोग को थोड़ा सा भी क्यूरी है, यू मस्ट कॉल ऑन दिस नंबर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू.